लेकिन जौनपुर का एक लड़का जो जिले का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। अभी पिए हैं। कैसा लगा चाय? चाय उनका वास्तव में चाय है। हाँ, कितने वाली पिए हैं? हम तो भाई पांच वाली चाय पीते हैं। पांच जो दस के नीचे इनका कोई चाय नहीं है तो हम लोगों के लिए स्पेशल रखते हैं। अच्छा, दत्ता उद्धा के लिए डिस्काउंट भी है क्या भैया? प्रेम में पिला दिया जाता है, प्रेम से बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं ना। प्रेम में पैसा का कोई महत्व नहीं है। अचक लोग ये भी मिलते होंगे, कहते होंगे बीटेक करके लड़का चाय बेच रहा है, ऐसा कभी हुआ? ऐसा क्या आपको कभी नौकरी की ऑफर कुछ इस तरह की चीजें आई? लेकिन हम क्यों, उसका वैल्यू समझ में आया, इसका वैल्यू मालूम है, तो हम गधे पे बैठना थोड़ी पसंद करेंगे। जब एक बार घोड़े पे बैठ गए हों तो अब उस पे बैठने का, जिससे प्रेम हो गया हो तो फिर उसके बाद कुछ और अच्छा नहीं। हाँ, बनाते हैं लोग। मेरी बहू बनाती है लेकिन ऐसा नहीं बना पाती है। ये बहुत ही प्रचार करने योग्य चाय है। जो बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आपने नाम सुना होगा बेवफा चाय वाला, और फिर उसके बाद एक नाम आया बेवफा चाय वाली, फिर उसके बाद तड़का चाय वाला। बहुत सारे ऐसे चाय वाले आए जो बिहार में बहुत प्रसिद्धि पाए, लेकिन जौनपुर का एक लड़का जो जिले का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, बीटेक की पढ़ाई किया हुआ है लेकिन चाय बेच रहा होगा, कई वैरायटी में बेचता है चाय, हांडी चाय, मसाला चाय, ईरानी चाय। और सबसे जो बड़ी बात है कि आपको इसमें जानलेवा कॉफी और जानलेवा चाय भी मिलेगी। तो आइए, हम जो बीटेक करके आए हुए पढ़ाई करके और अब वो चाय बेच रहे हैं, मोहित जी से हम उनसे खास मुलाकात कराएंगे। मोहित जी, कहाँ से आइडिया आया कि आप चाय बेचने लग गए? ये सर, हम इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद से हमारे मित्र थे ज्ञान भाई, वो एमटेक किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि संगति का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनसे हमने इंस्पिरेशन लिया और हम लोग वहाँ पे कुंभ के मेले में चाय सर्व करते थे सर, और चाय हम लोग तड़का चाय बनाते थे, तंदूरी चाय, मसाला चाय, सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग सर्व करते थे। बड़ा ही मज़ा आता था, एक एक दिन में एक एक लोग कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को फेस करते थे और हम लोग चाय वहाँ पे सर्व करते थे। कहीं ना कहीं वहाँ से हम लोगों को ये आइडिया बहुत तगड़े से मिला और हमने एनालिसिस भी किया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिकती क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया कि पानी से ज़्यादा चाय बिकने वाली है और ये आदत है लोगों की, तो हमने इसी पर सोचा कि अब इसी पर वर्क करते हैं और इसमें लोगों को रोज़गार भी देंगे और अच्छे से अच्छे शिद्दत से इसको करके सबको एक नया टेस्ट देंगे कि वो लोग भी कहें कि हाँ भाई कुछ है। मोहित जी सिर्फ चाय ही नहीं बना रहे हैं बल्कि लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें जॉब मिले तो आप उनको रोज़गार भी देने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने यहाँ नौकरों को नहीं रखना चाहता, जो सोचते हैं कि मैं यहाँ नौकरी करने के उद्देश्य से आ रहा हूँ, तो मैं कदाचित ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि वो नौकरी के उद्देश्य से, वो स्वयं अपना समझे इस चीज़ को, अपने तरीके से सीखें, इससे एब्जॉर्व करें एवरीथिंग, देन आफ्टर वो यहाँ पे वर्क करें तो बड़ा मज़ा आएगा काम करने में, तब उनका पैशन हो जाएगा ये काम। ये जब तक जो भी काम आपका पैशन नहीं होगा आप उसको कभी इंक्रीज नहीं कर सकते। जानलेवा काफ़ी, जानलेवा चाय, इसका क्या राज है? सर ये जैसे मैंने काफ़ी, अभी ये पहले नाम नहीं था, तो जब मैं इलाहाबाद में था तो काफ़ी लोगों ने पिया, तो उन लोगों ने कहा, एक दो लोगों के मुंह से निकल गया कि सर ये काफ़ी आपके चाय में जानलेवा, बहुत काफ़ी जानलेवा लग रहा है ये, तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया। और मैंने चाय उस दिन बहुत शिद्दत से बनाया था, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, मैं डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ, एकदम अलग ही प्रेजेंटेशन है इसका, आप देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि ये वाकई जानलेवा है और पीने के बाद तो जान चली जाएगा। क्या क्या वैरायटी है, कितने कितने रुपए की चाय है? सर हमारे यहाँ 10 रुपए से 120 रुपए तक चाय है, 10, 20, 30, 40, 70, 120, जिसमें मटका चाय, हांडी चाय, रानी चाय, मसाला चाय ऐसे से इंक्लूड है। हांडी चाय 120 रुपए की है, जो काफी प्रकार, जिसकी हम आपसे, आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि जानलेवा चाय, उसका नाम हांडी चाय एक्चुअली। अच्छा जी, वो हांडी में बनती है, कई प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होती है, बड़ा मजेदार है, आप समय दीजिएगा आपको पिलाएंगे। ये सब जो आप लाते हैं कुल्हड़ उल्हड़, इसका कहाँ से, इसको कहाँ से? हमारे लिए कम से कम 30 से 40 घर हैं जो प्रजापति लोग हैं, जिनसे हमारा काफ़ी प्रेम है, संबंध है, वो लोग हमारे लिए क्रिएट करते हैं, हम उन्हें बताए हैं कि सर हमें ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो लोग हमारे लिए स्पेशली बनाते हैं, तो हम उनसे प्रसन्न होते हैं भाई, वो भी हम कस्टमर के अकॉर्डिंग उनको जब हम सर्व करते हैं, देखिए क्वालिटी के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इन दोनों का बड़ा ही ध्यान रखा है, और जितने भी कस्टमर हमसे उत्साहित होते हैं, ग्रहण करते हैं चाय वगैरह, तो बहुत ही मज़ा आता है उन्हें भी, इसलिए थोड़ा इंक्रीज करते हैं। हमारे पास 70 वैरायटी इसके अलावा भी कुल्हड़ की। अच्छा,
इसमें जो सबसे खास बात निकल कर आई कि गांव में भी ऐसा कोई लड़ बन सकता है। अभी तो कदाचित ऐसा नहीं है, अभी तो हम खुर्जा से मंगाते हैं। अच्छा जी, अभी वहां से बाहर से मंगाते हैं। एग्जैक्टली, देखेंगे अगर फिर यहां पर अपडेट हो गया तो फिर यहीं से ले लिया जाएगा। अभी तो थोड़ा सा अपने कस्टमर के लिए इतना तो हम कर ही रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि नहीं ये सब छोड़ देना चाहिए, नहीं हमें नहीं करना है, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जीवन में? जैसे ये रग रग में चाय हमारे है, तो अब इसको छोड़ने का अर्थ ये हो गया कि आत्मा से शरीर निकल, शरीर से आत्मा निकल जाए, यही हो सकता है। अब ये हमारे रग रग में है तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि जैसे इसको छोड़ने का अर्थ ही नहीं है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, ये नहीं छोड़ सकता। इसके बिना मन चैन सब कहीं और चला जाता है, इसके बिना कुछ नहीं, इसके साथ सब कुछ। ऐसा क्या आपको कभी नौकरी की ऑफर कुछ इस तरह की चीज़ें आई, लेकिन हमको उसका वैल्यू समझ में आया, इसका वैल्यू मालूम है, तो हम गधे पे बैठना थोड़ी पसंद करेंगे। जब एक बार घोड़े पे बैठ गए हों तो अब उस पे बैठने का मन, जिससे प्रेम हो गया हो तो फिर उसके बाद कुछ और अच्छा नहीं लगता। आप आए होंगे जब दुकान खोले होंगे तो बहुत सारे यहाँ पहले से दुकानें हैं, बहुत सारी चाय की दुकानें हैं, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसको डिटेल में बताइए। चलिए सबसे पहले जान लीजिए, हमारे प्रिय दद्दू हैं बगल में, ये हमारे मनीष भैया हैं। कहीं ना कहीं देखिए अगल बगल के लोग तो बहुत ही सपोर्ट किए, बहुत लोगों ने बुराई भी करी, तो हमको कहीं ना कहीं बुराई से ज़्यादा सपोर्ट मिला, मैंने उसको पॉजिटिविटी वे में लिया, तो बेहद ही मज़ा आया। और कहीं ना कहीं हमारे प्रिय दद्दू सब लोग हमको बहुत हेल्प किए, बहुत सपोर्ट किए, और घर से भी सपोर्ट मिला, धीरे धीरे स्टेबल किए अपने आप को, और हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ तो था। अच्छा, लोग ये भी मिलते होंगे, कहते होंगे बीटेक करके लड़का चाय बेच रहा है, ऐसा कभी हुआ? सर बोलते तो हैं, अब क्या करें, अब हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि ये हमारा काम सबसे छोटा है, हमें हमारा काम सबसे बड़ा लगा, अपना जो धंधा है सबसे बेस्ट लगा हमें। और भी कुछ लोग, धर्म ही नहीं लगा मुझे, और भी कुछ लोग हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या अंकल जी यहीं रहते हैं आप, यहाँ के? चाय वो पिए हैं कभी? अभी पिए हैं। अभी पिए हैं, कैसा लगा चाय? चाय उनका वास्तव में चाय है। हाँ, कितने वाली पिए हैं? हम तो भाई 5 वाली चाय पीते हैं यहाँ पे। 5 10 के नीचे इनका कोई चाय नहीं है, तो हम लोगों के लिए स्पेशल रखते हैं। अच्छा, दद्दा उद्दा के लिए डिस्काउंट भी है क्या भैया? प्रेम में पिला दिया जाता है, प्रेम से बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं ना। प्रेम में पैसा का कोई महत्व नहीं है। भैया और हैं, क्या क्या नाम भैया? मनीष कुमार। हाँ, चाय वो पिए यहाँ पे? अब चाय पीने आए हैं यहाँ पे। हाँ, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। अच्छा, जौनपुर मिश्रा की कहीं दुकान आपने देखी है चाय की? जौनपुर में रहते हैं 4 साल से, लेकिन इस तरीके की दुकान नहीं है, तो उधर से जा रहे थे तो हम कहे यार हम भी चाय पी लें। हाँ, तो आप देखिए भैया को चाय भी मिल गया है, अब चाय पी के बताइए, क्योंकि आपने पहली बार इस तरह, या अभी आप चाय पी रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट बढ़िया है चाय का। हाँ, कभी ऐसी चाय पी है? नहीं, ऐसी तो नहीं पी है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मोहित जी का, क्योंकि बीटेक वाले छात्र ने बनाया है, इसलिए बहुत अच्छी चाय है। कोई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दर्शकों से बस इतना ही कहना है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वक्त की रोटी ना खिलाए, लेकिन उसे पढ़ाए लिखाए जरूर, क्योंकि उसी से सब कुछ, एक उससे एक नई सोच इंक्रीज होती है, वो चेंज कर देगा, एक आइडिया जो बदल देती है आपकी दुनिया, आप जानते हैं। ये तो आप किसी का प्रचार भी कर दिए। अब ये प्रचार है जो भी है, लेकिन है इफेक्ट, इसको सभी लोग माने। अगर वो सोच आपके पास नहीं होगी तो वो आइडिया आपके मन में आएगा नहीं, और वो आइडिया नहीं होगा तो वो चेंज नहीं करेगी आपकी दुनिया। ये उचित दाम से दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कितने मिला चाय? 20 रुपए का एक कप। एक कप 20 रुपए का, लेकिन वो ओरिजिनल। हाँ, एकदम। घर में और कोई है जो इस तरह से चाय बनाता हो कभी? हाँ, बनाते हैं लोग। हाँ, मेरी बहू बनाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बना पाती है। हाँ, ये बहुत ही प्रचार करने योग्य चाय है। हाँ, जो बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगी, आपने भी चाय पिया होगा? हाँ भैया, चाय बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी चाय है। चाय का प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन चाय है और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। क्या बात है, आप देख सकते हैं लगातार लोग जो चाय की तारीफ है वो करते हुए नहीं थक रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी चाय है। मोहित जी ने जौनपुर में एक पहला ऐसा स्टॉल खोला है, आउटलेट खोला है, जिससे कि जो सुर्खियों में आ गए, बीटेक किए हुए हैं मोहित जी, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।